हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं चिकन स्टीम मोमोज बनाने जा रही हूँ। जो लोग चिकन खाना पसंद करते हैं उनको चिकन मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। चिकन मोमोज को आप घर पे ही बाज़ार से भी अच्छा बना सकते हो और चिकन मोमोज को बनाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स, चिकन मोमोज झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। मैं चिकन स्टीम मोमोज बना रही हूँ। स्टीम मोमोज बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चिकन मोमोज को मोमोज की तीखी चटनी के साथ में सर्व किया जाता है। कोई भी पार्टी हो या आपके घर गेस्ट आ रहे हो तो आप चिकन मोमोज बना सकते हो। ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चिकन स्टीम मोमोज को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोमोज बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैदा गूंद के तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने मैदा लिया है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसे हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमें इस मैदे को गूंद के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैदे को गूंद के हमने तैयार कर लिया है। अब हम मैदे के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे मैदे पे अच्छे से लगा देंगे फ्रेंड्स। और हम मैदे को आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मोमोज की स्टफिंग को बना के तैयार कर लेंगे। मोमोज की स्टफिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है। मैंने ये बोनलेस थाई चिकन लिया है फ्रेंड्स। मैंने चिकन को अच्छे से पानी से धो के साफ कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें मिन्स चिकन चाहिए, जिसके लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन का कीमा बनाने के लिए मिक्सी का यूज़ भी कर सकते हो। अब हम चिकन के पीसेस को चॉपर में डाल देंगे और चिकन को हम चॉप कर लेंगे, जिससे चिकन का कीमा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मिन्स चिकन रेडी हो चुका है। अब हम मिन्स चिकन को चॉपर से निकाल के किसी बाउल में निकाल लेंगे। बोनलेस चिकन का कीमा बना के हमने तैयार कर लिया है। इसके अलावा मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप करके तैयार कर लिया है। लहसुन लिया है, लहसुन को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लिया है, अदरक को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक कट करके तैयार कर लिया है। हरे धनिया को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा हमें नमक, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें सोया सॉस और विनेगर चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें मैं हरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स दोनों का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप मिर्ची को कम डाल सकते हो या स्किप कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये जो रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये होममेड रेडी किए हुए हैं। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। रेड चिली फ्लेक्स को भी आप घर पे ही आसानी से बना सकते हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको और जो भी स्पाइसेस पसंद हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। और आपको इनमें से जो भी इन्ग्रीडियंट्स पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हो। अब मैंने एक बाउल लिया है। अब हम इस बाउल के अंदर चिकन को ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर सारी चॉप की हुई वेजिस को ऐड करेंगे। हम इसमें चॉप किए हुए प्याज, चॉप किए हुए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिया को डालेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस को ऐड करेंगे। हम इसके अंदर नमक, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर को ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर वाइट विनेगर को ऐड कर रही हूँ।
और साथ ही में हम इसमें सोया सॉस को भी ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स हम अपने हाथों से इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो है ये चिकन में अच्छे से मिल जाएं। फ्रेंड्स अब मैंने ये बटर लिया है, ये मैंने बटर को हल्का सा मेल्ट कर लिया है। अब इस मेल्ट किए हुए बटर को हम चिकन के अंदर डाल देंगे। अब इस बटर को हम चिकन में अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स बटर डालने से चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा और मोमोस में चिकन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। मोमोस को बनाने के लिए चिकन की स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स अब हम इस चिकन की स्टफिंग को आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मोमोस को बनाने के लिए मैदा गूंदे हुए भी आधा घंटा हो चुका है और चिकन की स्टफिंग को बनाए हुए भी आधा घंटा हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हम अब मैदे की छोटे छोटे साइज़ की लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इन छोटी छोटी सी साइज़ की लोइयों को बेल कर तैयार कर लेंगे जैसे हम छोटी छोटी सी पूरियों को बेलते हैं। फ्रेंड्स आप चाहो तो एक बड़ा पेड़ा लेके उसकी एक बड़ी सी रोटी बना सकते हो और उसके बाद में किसी भी कटोरी या गिलास के साथ में उसे कट कर सकते हो। इस तरह से आपकी एक ही बार में छोटी छोटी सी साइज़ की बहुत सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से हम बाकी लोइयों को भी बनाकर उसे बेलकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक बेली हुई रोटी को लेंगे और हमने मोमोस को बनाने के लिए जो चिकन की स्टफिंग को रेडी करके रखा है उस चिकन की स्टफिंग का हम एक चम्मच इस रोटी के अंदर रख देंगे। अब हम इसकी चारों तरफ हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे। अब हम इसे एक साइड से पकड़ेंगे और इसे देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। थोड़े से गैप में हम इसे फिर से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम इसे आधे से ज़्यादा फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। अब हमने जहाँ से फोल्ड किया है उसके सेंटर से हम इसे प्रेस करते हुए इस तरह से इस मोमोस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मोमोस का एक डिज़ाइन बनके तैयार है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको मोमोस का दूसरा डिज़ाइन बनाना बताती हूँ जिसके लिए हम एक बेली हुई रोटी ले लेंगे। इसके अंदर हम चिकन की स्टफिंग को रखेंगे और इसके चारों तरफ हम हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे। और फ्रेंड्स जैसे हम गुजिया को बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे साइड से फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे फोल्ड करने के बाद में इसके जो दो किनारे हैं उसको फिर से फोल्ड करके इस तरह से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें फोल्ड करना है। देखिए एक और मोमोस का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है और ये सबसे इजी डिज़ाइन है। फ्रेंड्स इसे आप घर पे आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हो और ये डिज़ाइन देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। अब मैं आपको मोमोस का एक और डिज़ाइन बताती हूँ जिसके लिए हम एक बिली हुई रोटी लेंगे, उसमें चिकन की स्टफिंग को रखेंगे, उसके साइड्स में हम पानी को लगा देंगे। और अब फ्रेंड्स हम इसे एक साइड से पकड़ेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसी तरह से हमें एक ही जगह पे इसे फोल्ड करते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स मोमोस का डिज़ाइन कितनी आसानी से बन गया है। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन बनाना बताती हूँ फ्रेंड्स जिसके लिए हम रोटी को लेंगे, इसके अंदर हम चिकन की स्टफिंग को रखेंगे और साइड में हम हल्का हल्का पानी लगा देंगे। अब फ्रेंड्स हमें इसे एक साइड से पकड़ के इसे फोल्ड करना है। इसी तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए जाएंगे और हमें इसे आधे तक फोल्ड करना है। देखिए फ्रेंड्स इसे हमने आधा फोल्ड किया है और आधा इसी तरह से है। अब हम
सिंपल साइड को फोल्ड की हुई साइड के साथ में इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोमोज का कितना इजी डिज़ाइन था। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, मोमोज में बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है। उसमें मैंने 15 तरीके से मोमोज को फोल्ड करना बताया हुआ है। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स, तो आप उसे देख के मोमोज को अलग अलग डिज़ाइंस में बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे मोमोज में चिकन की स्टफिंग को भर के तैयार कर लिया है। अब हम मोमोज को स्टीम करेंगे। मोमोज को स्टीम करने के लिए मैंने मोमोज मेकर लिया है, जिसमें मैंने पानी डालकर उसे गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। अब ये मोमोज की जाली है। मोमोज की जाली में मैं हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ, ताकि मोमोज जो है वो चिपके ना। देखिए फ्रेंड्स, पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके ऊपर मोमोज की जाली को रख देंगे। अब इसके अंदर हम चिकन की स्टफिंग वाले मोमोज को रख देंगे। फ्रेंड्स, मैं मोमोज को मोमोज मेकर में बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास में मोमोज मेकर नहीं है तो आप इसे गैस पे बना सकते हो। आप गैस पे किसी भी बड़ी पतीली या कढ़ाई को रख दीजिए और उसमें आप एक गिलास पानी को डाल दीजिए और पानी को पहले आप अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब पानी गर्म हो जाएगा तो आप कोई भी स्टैंड ले लीजिए, छोटे से स्टैंड आते हैं किचन के, उस स्टैंड को आप उस पतीली या कुकर में रख दीजिए और उसके ऊपर आप किसी छन्नी या जाली में मोमोज को रख दीजिए और उसे ढक दीजिए। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखिए और इस तरह से भी आपके जो मोमोज हैं वो स्टीम हो जाएंगे। अब दूसरी छन्नी को लगाकर उस पर भी मैं बाकी बचे हुए सारे मोमोज को रख दूंगी और फ्रेंड्स, इसे मैं ढक के 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करूंगी। 15 से 20 मिनट में चिकन मोमोज अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम मोमोज को चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, मोमोज रेडी हुए हैं या नहीं इसको चेक करने के लिए आप देखिए, जो मोमोज हैं उनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये हल्के हल्के से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और आप इन्हें हल्का सा टच करके देखिए, अगर ये स्टिकी लग रहे हैं आपको तो इसका मतलब है कि मोमोज रेडी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये बिल्कुल ड्राई हैं तो मोमोज जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम मोमोज को बाहर निकाल लेंगे। मोमोज के साथ में मैं फ्रेंड्स मेयोनीज और मोमोज की तीखी चटनी सर्व कर रही हूँ। मोमोज की तीखी चटनी बहुत ही चटपटी, बहुत ही तीखी और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम गर्मा गर्म चिकन मोमोज को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, मोमोज की तीखी चटनी की रेसिपी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मोमोज की चटनी को भी खुद घर पे बना सकते हो, तो मोमोज की चटनी को भी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप भी चिकन मोमोज को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। चिकन मोमोज बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं उनको तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।